गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है फिनिशेस या परिसज्जा। वस्त्रों के ऊपर काफ़ी प्रकार की परिसज्जाएँ की जाती हैं, बहुत सी मैंने आपको बता दी, यांत्रिक और दो तीन को छोड़कर बाकी रासायनिक परिसज्जाएँ भी हमारी काफ़ी सारी हो गई हैं। आज की क्लास में बाकी की बची हुई हमारा जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट करवा दूंगी परिसज्जा का, तो बाकी की बची हुई रासायनिक परिसज्जाएँ करते हैं। ज़्यादा लंबा काफ़ी सारी क्लासेस हो गई हैं परिसज्जा के ऊपर, क्योंकि अगर मैं एक बार में आपको सारी बताती हूँ तो समझ में नहीं आएंगी, काफ़ी सारी फिनिशेस हैं, इसलिए उनको थोड़ा थोड़ा करके बताना ज़्यादा अच्छा है। तो आज की जो क्लास है उसमें हम करेंगे बैक्टीरिया अवरोधक फिनिश। बैक्टीरिया अवरोधक परिसज्जा है, इसके अंदर क्या करते हैं, जैसे वस्त्र के ऊपर क्या लग जाता है, केवल फफूंदी व कीड़े ही नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। हमने कीड़े और फफूंदी के लिए तो हमने फिनिशेस बताई थी, लेकिन क्या है, कपड़ों के ऊपर खाली बैक्टीरिया और जो फफूंदी और कीड़े ही इफेक्ट नहीं करते, बल्कि बैक्टीरिया भी कपड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, ये भी आक्रमण करते हैं और उनको नष्ट कर डालते हैं, कपड़ों को नष्ट कर देते हैं। खासकर पसीने वाली जो गंदगी युक्त स्थानों पर, पसीने वाली जो जगह होती हैं वहाँ पर बैक्टीरिया का आक्रमण है वो बड़ी ही शीघ्रता से होता है। परिधान हेतु वस्त्रों पर बैक्टीरिया रोधी परिसज्जा की जाती है, बैक्टीरिया रोधी परिसज्जा उनके ऊपर की जाती है। इसके लिए वस्त्रों को अमोनिया के यौगिक से प्रतिक्रिया करवाई जाती है, अमोनिया के यौगिक से इनकी रिएक्शन करवाई जाती है, रिएक्शन या फिर प्रतिक्रिया बोलते हैं इसको, रिएक्शन करवाई जाती है, प्रतिक्रिया करवाई जाती है बैक्टीरिया अवरोधक फिनिश के लिए। अब अगली परिसज्जा है सिकुड़न रोधी परिसज्जा। वस्त्र को सिकुड़न अवरोधी परिसज्जा किसके लिए करते हैं, नाम से पता चल रहा है, यानी सूती, लिनन, रेयोन तो थोड़ा कम है, इन कपड़ों पर क्या है, सिकुड़न बहुत ज़्यादा होती है और वस्त्र को पूर्वाकार ग्रहण करने के लिए, ताकि वो शीघ्रता से दबाव पड़ने अथवा खींचने के उपरांत भी अपनी मूल आकृति को ग्रहण कर सके, अपना मूल मौलिक जो आकार है उसे प्राप्त कर सके, इसके लिए उसे सिकुड़न रोधी परिसज्जा दी जाती है। अस्थिर वस्त्र शीघ्रता से अपने मौलिक आकार एवं आकृति को ग्रहण नहीं कर पाते हैं और उनमें फैलने और सिकुड़ने का दोष आ जाता है, इससे वस्त्र देखने में भद्दे और बेढबे लगते हैं। सूती, लिनन, रेयोन अक्सर जो ये वस्त्र हैं अक्सर पहली बार धोने के पश्चात अपनी जो मौलिक आकार है उसको खो देते हैं। आप कई बार देखते हो कि कई कपड़े ऐसे होते हैं कि पहली धुलाई के बाद ही वो सिकुड़ जाते हैं, तो उस सिकुड़न से, उस सिकुड़न को रोकने से के लिए, उसको उससे बचाने के लिए, ताकि वो अपने आकार को खोए ना, मौलिक जो उनका आकार है, एक्चुअल जो उनका आकार है उसको खोए ना, इसके लिए क्या करते हैं, सिकुड़न रोधी परिसज्जा दी जाती है।
सिकुड़न रोधी परिसज्जा द्वारा वस्त्र को सिकुड़ने वाले दोष से बचाने का प्रयास किया जाता है। यह परिसज्जा करघे पर से उतारे गए वस्त्र यानी ग्रे गुड्स को एक बार धोने के पश्चात ही दी जाती है। पहले जो करघे पर से उतारा हुआ वस्त्र है यानी ग्रे गुड्स होता है, उसको एक बार धोने के पश्चात ही ये परिसज्जा दे दी जाती है। सिकुड़न दो प्रकार की होती है, एक तो होती है लगातार होने वाली और दूसरी जो सिकुड़न होती है वो है ढीली अवस्था का। तो इस तरह से क्या है, ये दो प्रकार से सिकुड़न हो जाती है। पहली है, कई बार आप देखते हो कि लगातार एक कपड़े को बार बार धो रहे हैं, बार बार वॉश कर रहे हैं, तो क्या है उसको सिकुड़न, वो कपड़ा सिकुड़ जाता है। जितनी बार भी वस्त्र धोया जाता है हर बार वो क्या है सिकुड़ जाता है। इसके लिए वो है, उसका परिणाम क्या होता है, लगातार सिकुड़ने से कपड़ा छोटा हो जाता है। अतः इस दोष से बचने के लिए ताप सुनमय यानी थर्मोप्लास्टिक जो फाइबर हैं उनसे बने वस्त्रों को हीट सेट विधि द्वारा स्थायी आकार एवं आकृति प्रदान की जाती है। संश्लेषित जो रेशे हैं, संश्लेषित रेशों के लिए, संश्लेषित रेशों से जो बने वस्त्र होते हैं उनको हीट सेट द्वारा स्थाई आकार एवं इसके द्वारा स्थाई आकार एवं आकृति, स्थाई आकार एवं आकृति प्रदान कर दी जाती है। और उन्हीं वस्त्रों को अगर भाप से धोया जाए तो वे कम सिकुड़ते हैं, परंतु मशीन से धोने के पश्चात इनके सूत क्या होते हैं, मशीन में दबकर ढीले पड़ जाते हैं और उससे क्या होता है, वस्त्र शीघ्रता से फैल जाता है और कुछ दिनों में ही क्या है वो पहनने योग्य नहीं रहता है। अतः ऊनी वस्त्रों पर सिकुड़न रोधी परिसज्जा दी जाती है। अब बात करते हैं ढीली अवस्था का संकुचन। ढीली अवस्था का जो संकुचन है इसमें क्या है, वस्त्र में पहली धुलाई के उपरांत जो सिकुड़न होती है वह ढीली अवस्था के संकुचन के कारण होती है। बुनाई प्रक्रिया में जो ताने के धागे कसकर करघे पर से ताने जाते हैं, जो ताने का धागा होता है वार्प यार्न है, वो क्या होता है कि ज़्यादा कस के तान दिया जाता है और बाने के धागे से इनकी भराई की जाती है। अतः जब करघे से उतारने के पश्चात वस्त्र को ताने के सूत तने हुए सीधी अवस्था में ही रहते हैं, वस्त्र को जब पहली बार धोया जाता है तो वे गीले हो जाते हैं तथा ताने के सूत हैं वो मुड़ जाते हैं और ताने की ओर से वस्त्र छोटा हो जाता है। क्रेप वस्त्रों में सिकुड़न कम होती है। सेंफोराइजिंग तथा मर्सराइजिंग परिसज्जा द्वारा भी वस्त्र को सिकुड़ने से रोका जाता है। सेंफोराइजिंग और मर्सराइजिंग जो प्रोसेस आपको बताई थी, दो फिनिशिंग आपको बताई थी, पहले सेंफोराइजिंग और दूसरी जो बताई थी आपको बताई थी मर्सराइजिंग। ये दोनों फिनिश किस लिए बताई थी आपको, कि ये दोनों वस्त्र को सिकुड़ने से बचाते हैं, उनका आकार को स्थायी कर देते हैं।
बताए थे कि एक ट्रेड नेम होता है और वस्त्र की जो एज होती है किनारी के ऊपर, ट्रेड नेम है ये, ट्रेड नेम है जिस भी वस्त्र की किनारी के ऊपर सेंसोराइजिंग लिखा हुआ होता है। अगर जिस भी वस्त्र के ऊपर सेंसोराइजिंग लिखा हुआ होता है, इट मीन्स उसका क्या मतलब है कि ये वस्त्र सिकुड़न, इस वस्त्र को सिकुड़न रोधी परिसज्जा दी हुई है, ये वस्त्र सिकुड़ेगा नहीं। तो इन दोनों परिसज्जाओं के द्वारा सिकुड़न रोधी परिसज्जा दी जाती है। ऊनी वस्त्र, ये सारा इसका हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, स्थाई प्रेस। अगली जो, अगली और लास्ट जो हमारी परिसज्जा है वो है स्थाई प्रेस। स्थाई प्रेस या इसे बोलते हैं परमानेंट प्रेस भी बोलते हैं, परमानेंट प्रेस होती है। आप इससे क्या समझते हैं कि ये भी क्या है, वस्त्र को सिकुड़ने से बचाने के लिए, ताकि वस्त्र में चमक रहे उसके लिए स्थाई परिसज्जा दी जाती है। इसमें क्या करते हैं, सूती, लीनन तथा रेयोन के रेशों से बने जो वस्त्र होते हैं उन पर सिलवटें बड़ी ही जल्दी पड़ जाती हैं, बड़ी ही जल्दी शीघ्रता से उन पर सिलवटें पड़ जाती हैं। ये वस्त्र एक या दो बार पहनने के बाद ही क्रश हो जाते हैं, यानी उनमें रिंकल्स दिखाई देते हैं, चुन्नटें दिखाई देते हैं, जिससे इनकी सुंदरता, आकर्षण, कोमलता, नवीनता एवं ताजगी नष्ट हो जाती है और वस्त्र टूड़े मुड़े भद्दे बेढंगे दिखाई देते हैं। आप देखते हो बिना प्रेस के अगर वस्त्र पहनते हैं तो उसमें क्या है, हमारी जो पर्सनैलिटी है वो अजीब सी लगती है, भद्दे टाइप के हम दिखाई देते हैं। तो इसीलिए वस्त्र पर हम क्या करते हैं, प्रेस के द्वारा क्रीज जमा देते हैं, अच्छे से क्रीज जो भी होती है, रिंकल्स होते हैं, उनको निकाल देते हैं। अतः वस्त्र को क्रीज रोधी बनाया जाता है ताकि इन्हें बार बार धोने के उपरांत भी इनके ऊपर इस्त्री ना करना पड़े और इनका रख रखाव है वो आसान हो जाए। आपने देखा है आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में रोज़ कपड़ों को प्रेस करना भी एक झंझट भरा कार्य लगता है। इसीलिए क्या करते हैं, हम ऐसे कपड़ों का चुनाव करते हैं ताकि उनको, उनकी जो केयर है, उनका जो रख रखाव है वो ईजी हो, हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, उनके ऊपर धूल मिट्टी गंदगी वगैरह ज़्यादा ना लगे, बार बार इस्त्री ना करना पड़े। तो इस प्रकार से क्या है, इस तरह के वस्त्रों का चुनाव किया जाता है। तो ये थी हमारी स्थाई प्रेस। सन 1955 में वस्त्र के रख रखाव को सरल बनाने के लिए स्थिर प्रेस की प्रक्रिया का शुभारंभ हुआ था। 1955 में स्थाई प्रेस का शुभारंभ हुआ था, इसका शुभारंभ हुआ था, इसका शुभारंभ 1955 में किया गया था। परंतु सूती एवं लीनन वस्त्रों में यह प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न नहीं हो सकी। ताप सुनमय रेशों से बने वस्त्रों को हीट सेट करके स्थाई प्रेस दे दी जाती है, जिससे वस्त्र पर क्रीज सलवटें नहीं पड़ती हैं और वे हमेशा ताज़ा, नए और आकर्षक बने रहते हैं। हम जैसे उनकी तह बनाकर रखते हैं वैसे ही उनमें रिंकल्स नहीं रहती है। परंतु सूती तथा लीनन वस्त्रों को स्थाई प्रेस देने के लिए वस्त्र पर पहले सिंथेटिक संश्लेषित रेजिन की परिसज्जा दी जाती है। संश्लेषित रेजिन की पेश की जाती है किसके ऊपर, सूती और लीनन के वस्त्रों पर। सूती और लीनन तो अब भी ऐसा वस्त्र है कि इनको एक बार पहनने के बाद में दोबारा पहनने लायक नहीं होती है। इन पर क्या है, ज़्यादा जो ये टेक्नोलॉजी है, टेक्निक्स हैं, पूरी सज्जाएँ हैं, ज़्यादा टिकाऊ नहीं है। एक बार पहनने के बाद इनको दोबारा धोकर और प्रेस करके पहनना पड़ता है।
धोर पहनो वस्त्रों में सिकुड़न एवं सिलवट रोधी परिसज्जा देकर आरामदायक बनाया गया है। बार बार के प्रयोग के पश्चात भी इन वस्त्रों पर क्रीज नहीं पड़ती और वस्त्र हमेशा ताजा और नया नया बना रहता है। तो इस प्रकार से हमारी ये थी परिसज्जाएं। हमने दो तरह की परिसज्जाएं पढ़ी, यांत्रिक और रासायनिक। यांत्रिक यानी जो मशीनों के द्वारा परिसज्जा की जाती है, और उनमें हमने काफ़ी सारी फिनिशेस पढ़ी थी, जैसे क्लेंडरिंग है, सेंफोराइजिंग है, और इसमें आपको बताया था एम्बोजिंग, उसमें आपको साइजिंग, काफ़ी सारी फिनिशेस हमने की हैं। और ऐसे ही रासायनिक परिसज्जाओं में जैसे अग्नि अवरोधक, जल अवरोधक, और इसमें कीट रोधी परिसज्जा, स्थाई प्रेस, और ये सिकुड़न रोधी परिसज्जा, बैक्टीरिया रोधी परिसज्जा, और ये स्थाई प्रेस इत्यादि काफ़ी सारी हमने फिनिशेस की हैं। तो उम्मीद है कि आपको जो परिसज्जाओं का जो पूरा चैप्टर हमने करवाया है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें से हर बार कोई ना एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता ही आता है, चाहे वो छोटा है आए या बड़ा आए, एक क्वेश्चन आता ही है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।